लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक 28 फरवरी को अहमदाबाद के गांधी आश्रम में होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी शिरकत करेंगे। बैठक को सफल बनाने के लिए स्थानीय दिग्गज छत्रप और एआईसीसी को कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने पूरी ताकत झोंक दी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस की सबसे ताकतवर बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 58 साल बाद गुजरात में होने जा रही है। इसके साथ ही हाल ही में एआईसीसी महासचिव बनी प्रियंका गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में पहली बार जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। इसके जरिए नरेंद्र मोदी को उनके ही घर में घेरने की रणनीति है। प्रियंका के साथ इस जनसभा को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संबोधित करेंगी। तैयारियों के मद्देनजर एआईसीसी कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने गांधी आश्रम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद एक जनसभा का भी आयोजन रखा गया है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। गुजरात कांग्रेस ने इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अहमद पटेल ने सभा स्थल पर चल रही तैयारियों को भी देखा और कार्य स्थल पर जुटे नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर कलोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने चुनावी फंड के लिए 35 लाख राशि का चेक एआईसीसी कोषाध्यक्ष अहमद पटेल को सौंपा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव और कांग्रेस की भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले 1902, 1921 और 1961 में गुजरात में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पार्टी की कमान संभालने के बाद ये सीडब्ल्यूसी की चौथी बैठक है। इससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक महाराष्ट्र में महात्मा गांधी की कर्मभूमि रहे वर्धा के सेवाग्राम में हुई थी। हाल के दिनों में बीजेपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को घेरने में जुटी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रैली के जरिए कांग्रेस को घेरा था। पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने फरवरी अंत में अमेठी भी जाने वाले थे। हालांकि पीएम मोदी की अमेठी रैली स्थगित हो गई। अब मोदी का मार्च के पहले सप्ताह में अमेठी जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में पीएम मोदी के गढ़ गुजरात से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और गांधी नेहरू परिवार एक मंच से हुंकार भरेगा। गांधीनगर में होने वाली कांग्रेस की जनसंकल्प रैली से संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का संकल्प लेकर कांग्रेसी चुनावी समर में उतरेंगे। देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष और चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने की खुशी मना रहा है। ऐसे में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से कांग्रेस उनके सिद्धांतों को लेकर पूरे देश में संदेश देना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि 58 साल बाद गांधी की धरती पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और रैली कर क्या पीएम मोदी को उनके गढ़ में घेरने में कामयाब हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।